फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑन थर्मल एक्सपेंशन डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात किया था, जस्ट लाइक लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने 3 क्वेश्चन लिख रखा है और एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। एक्सपेंड बाय 1.0 सेंटीमीटर व्हेन हीटेड थ्रू 200 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द मेटल। तो फ्रेंड्स, एज वी नो दैट देयर अकर्स 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। जब किसी भी सब्सटेंस को आप हीट करते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस को जब आप हीट करते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जनरली ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेज एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ठीक है, कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसे एनोमलस एक्सपेंशन की बात होती है। तो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में केवल हम लोग थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, एनोमलस एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, और थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में लीनियर एक्सपेंशन की बात हो रही है, मतलब केवल हम लेंथ को कंसिडर कर रहे हैं। जब सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात होगी तो हम लोग एरिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे। जब क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात होगी या वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात होगी तो इंक्रीज इन वॉल्यूम की बात होगी। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया है, 3 मीटर दिया हुआ है। अब मेटल रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ, और एक्सपेंशन कितना हो रहा है, 1.0 सेंटीमीटर हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यूनिट का जरूर ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल लेंथ किस में है, मीटर में। एक्सपेंशन कितना हो रहा है, 1.0 मीटर हो रहा है। कब ऐसा हो रहा है, जब आप मेटल रॉड को 200 डिग्री सेल्सियस हीट कर रहे हैं। और तो आपको करना क्या है, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कैलकुलेट करनी है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए, अल्फा के लिए हम लोगों के पास अल्फा क्या है, इट इज अ सिंबल फॉर लीनियर एक्सपेंशन कोफिशियंट ऑफ द मेटल। देखिए, आप लीनियर कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहिए या लीनियर एक्सपेंशन कोफिशियंट कहिए, डिफरेंट ऑथर्स अलग अलग तरीके से लिखते हैं एक ही चीज को, लेकिन उसका मीनिंग देखिए वही है। तो इस क्वेश्चन में लीनियर एक्सपेंशन कोफिशियंट की बात हो रही है, या कहीं कहीं ये भी हो सकता है, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो दोनों का मीनिंग वही है। अल्फा सिंबल है ये, दिस इज द ग्रीक सिंबल। इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, LT माइनस L0 डिवाइडेड बाय L0 डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर है, यहाँ कुछ कुछ किताबों में स्मॉल टी भी लिखा रहता है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपने जो सिंबल इस्तेमाल किया है उसका मीनिंग क्या है, आप क्या समझते हैं सिंबल से। जैसे L0 क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, या लेंथ ऑफ द रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस, LT क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड एट T डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो हम डेल्टा टी इस्तेमाल कर रहे हैं, राइजिंग टेम्परेचर इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं कहीं स्मॉल टी भी लिखा रहेगा। यहाँ डेल्टा टी की जगह पे कुछ कुछ किताबों में डेल्टा थीटा भी लिखा रहता है, तो मतलब ये है कि लकीर का फिक्र नहीं होना है, आपको कंसेप्ट को समझना है। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन में एक्सपेंड कितना एक्सपेंशन हो रहा है रॉड में, ये दिया हुआ है 1.0 सेंटीमीटर, तो मैं लिख रहा हूं 1.0 सेंटीमीटर, ये हमने लिखा LT माइनस L0 के लिए। LT माइनस L0 क्या है, इंक्रीज इन लेंथ है जो कि दिया हुआ है, और इधर लेंथ 3 मीटर है, उसको मैं कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 3 मीटर कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। टेम्परेचर, राइजिंग टेम्परेचर, इट इज गिवन 200 डिग्री सेल्सियस, अब देखिए कितना हो जाएगा, 1/ सॉल्व कर लीजिए, 3 × 2 = 6, यहां देखिए 100 बचा, क्योंकि 300 को हमने 3 × 100 लिखा है,
और 200 को 2 into 100 लिखा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 to the power 4 हो जाएगा। और फाइनल यूनिट पर डिग्री सेल्सियस, क्यों? क्योंकि डिग्री सेल्सियस डेनोमिनेटर में है। एक बात और ध्यान दीजिए, इसको देखिए सॉल्व करना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम क्या कर रहे हैं, हम 10/6 लिख दिए, हमने क्या किया 10 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, तो बैलेंस करने के लिए हमें डेनोमिनेटर में भी 10 से इंटू करना होगा। अब देखिए, जब इंटर करेंगे डेनोमिनेटर में 10^5 हो जाएगा, जो कि ऊपर जाके -5 हो जाएगा, और ये आपका पर डिग्री सेल्सियस, ये कटेगा, ये 5 और ये 3, 5 के 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1.6666 आएगा, जो कि ये रेकेटिंग डेसिमल है, इंटू 10^-5 पर डिग्री सेल्सियस। तो दिस कैन बी रिटन एज 1.7 इंटू 10^-5 पर डिग्री सेल्सियस। 7 कैसे आया, मान लीजिए कि आप ड्रॉप करना चाहते हैं, इधर का नंबर नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये 6 को 7 बना दीजिए, 7 ड्रॉप करेंगे तो ये आपका 6 7 हो जाएगा। अगर ड्रॉपिंग नंबर अगर 5 से ज्यादा है तो उसका प्रीसीडिंग नंबर 1 बढ़ जाता है, तो ठीक है, ये आपका अल्फा निकल गया, तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। देखिए, जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो साथ साथ न्यूमेरिकल्स करना जरूरी होता है, तभी आप कंसेप्ट को समझेंगे। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एक बार और इसको अरेंज कर देता हूं तो थोड़ा नीटनेस आ जाएगा, आप अच्छे से देख पाएंगे, विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। देखिए, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, मिडिल सीट इज ऑफ 4 मीटर बाई 3 मीटर। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, मिडिल सीट की बात हो रही है, मतलब एरिया होगा मिडिल सीट में, थिकनेस नेग्लिजिबल होगा, ये साइज दिया है, मतलब अगर मेटल सीट की एरिया निकालनी होगी तो 4 मीटर इंटू 3 मीटर कर दीजिएगा, 12 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। व्हाट इज द इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया कब, व्हेन इट इज हीटेड थ्रू 80 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या दिया है, ओरिजिनल एरिया दिया हुआ है, ए नॉट कितना दिया है 12 स्क्वायर मीटर, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस ये दिया हुआ है। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए और क्या क्या दिया हुआ उसको लिखिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन दिया हुआ है ऑफ द मेटल, कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए सिंबल बीटा होता है, और ये आपका 2.4 इंटू 10^-5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, हमें क्या चाहिए, इंक्रीज इन सरफेस एरिया चाहिए, तो मतलब ये हुआ कि 80 - A0 हमको चाहिए, तो जो चाहिए उसको आप क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए। आपके पास ये देखिए रिजल्ट है, इक्वल्स टू ए नॉट बीटा डेल्टा टी, ए नॉट कितना है 12 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, बीटा 2.4 इंटू 10^-5 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डेल्टा टी कितना है 80 डिग्री सेल्सियस है, ओके। देखिए, पर डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा, फाइनल यूनिट क्या बचेगा, स्क्वायर मीटर बचेगा। आप देखिए सॉल्व करना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा,
80 है, यहाँ से एक 10 ले लीजिए और 2.4 से बैलेंस कर दीजिए, तो 2.4 इंटू 10 24 हो जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 12 इंटू 24 लिख दीजिए, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 8 बच जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आ जाएगा स्क्वायर मीटर। अब इंटू करना है, अपने हिसाब से कर लीजिए जैसे मन वैसे, जैसे आपको सुविधा पड़े। तो देखिए मैं जो इंटू कर रहा हूँ इस तरीके से कर रहा हूँ, 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 2 जा 24, 24 4 28 हो जाएगा इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये देखिए स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे 10 टू द पावर 4 से इंटू करेंगे। क्यों हमने पॉजिटिव लिया, क्योंकि स्क्वायर मीटर बड़ा यूनिट है, स्क्वायर सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। इन 1 स्क्वायर मीटर 10 टू द पावर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए 8 से इंटू करिए, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70 का 0 कैरी 7, 8 2 जा 16 7 23 इनका इंटू आ गया। यहाँ देखिए 10 का पावर माइनस 5 है और 10 का पावर 4 है, तो कितना आएगा बाय द लॉ ऑफ इंडाइसिव 10 टू द पावर माइनस 1, तो मतलब यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा और फाइनल यूनिट क्या हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आंसर दिया हुआ है। राउंडिंग करेंगे अगर तो ये कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा, क्योंकि 4 को जो आप ड्रॉप करेंगे ड्रॉपिंग नंबर क्या है 5 से लेस है, आप इतना आंसर लिख सकते हैं। या आप देखेंगे कि बुक्स में इतना भी दिया रहता है, तो ये राउंडिंग करने के बाद दिया रहता है। ठीक है, बट यू कैन राइट दिस आल्सो, नो प्रॉब्लम, दिस इज द एक्चुअल आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 करेंगे, उससे पहले मैं अरेंज करके स्पेस बना लेता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं फ्रेंड्स। इसके पिछला से वीडियो लेक्चर है जिसमें कि थर्मल एक्सपेंशन, तीनों टाइप के थर्मल एक्सपेंशन जो एक्सप्लेन किया गया है, आप उसको पहले अगर देख करके ये वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन ए कॉपर क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, क्यूब की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा साइड कितना है 20 सेंटीमीटर, इज हीटेड फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए डेल्टा डी कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय इतना 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ द कॉपर। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे क्यूबिकल एक्सपेंशन भी लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, साइड क्यूब, वहां से वॉल्यूम निकाल लीजिए V नॉट। कैसे निकालेंगे, 20 सेंटीमीटर का आप क्यूब कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस, ये 100 कैसे आया, 0 से 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 कर लीजिए। अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, कितना कर रहा है, तो दिया हुआ है वी टी माइनस वी नॉट और ये दिया है आपका 40 क्यूबिक सेंटीमीटर,
ये दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, हम लोग को गामा निकालना है। गामा फ्रेंड्स, अल्फा इज द सिंबल फॉर द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा इज द कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एंड गामा इज द सिंबल फॉर द कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, और वी कैन से वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ठीक है, गामा के लिए आप फॉर्मूला यूज करिए, वी टी माइनस वी नॉट, और ये देखिए वी नॉट, और ये डेल्टा टी, ये देखिए दिया हुआ है यहां पर, ये कितना दिया है, तो ये दिया हुआ है 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, ओरिजिनल वॉल्यूम यहां पर है 8 × 10³ क्यूबिक सेंटीमीटर। डेल्टा टी कितना है, 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सॉल्व कर लिया जाए, देखिए कैसे सॉल्व होगा, 8 से ये कटेगा, कितने बार में कटेगा, 5 बार में, तो ये 5 आ गया। और ध्यान दीजिएगा 10³ यहाँ है, यहाँ पे 100 मीन्स व्हाट, 10⁻², 10⁻³ × 10⁻², बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, 10⁵ हो जाएगा, जो कि ऊपर जाने के बाद 10⁻⁵ हो जाएगा यूनिट, तो पर डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हम लोगों ने गामा निकाल लिया, अरे निकालना नहीं था। तो फ्रेंड्स देखिए, चाहे अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, तीनों का यूनिट या तो पर डिग्री सेल्सियस होगा या पर डिग्री केल्विन होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विथ वेरी कंसिडर्ड टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।